अवैध नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के नेतृत्व में लगातार जिले की पुलिस एक के बाद एक अवैध नशे के व्यापारियों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। वहीं एक बार फिर कटनी जिले के बाकल पुलिस ने 14 किलो अवैध गांजे के साथ एक आरोपी दबोचा है। पूरे मामले पर नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बाकल थाना क्षेत्र के गुहारी तालाब के समीप वाहन चेकिंग लगाई गई थी। इसी दौरान संदेह होने पर स्विफ्ट डिजायर कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें करीब 14 किलो गांजा सीट के नीचे से बरामद हुआ, जिसे जब्त कर एक आरोपी शरीफ खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा अन्य आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश जारी है। आरोपी के कब्जे से 14 किलो गांजा स्विफ्ट डिजायर कार जब्त की गई है। PBC के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। थाना बाकल प्रभारी किशोर द्विवेदी और उनकी टीम ने कल रात शाम को 7 बजे के करीब वाहन चेकिंग के दौरान लुकने की सूचना पर एक बिना नंबर की गाड़ी स्विफ्ट डिजायर से 14 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। एक आरोपी मोहम्मद सफीक को पकड़ा गया है। एक आरोपी हमारे से भागने में कामयाब रहा है, जिसकी पकड़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो आरोपी मोहम्मद सफीक पकड़ा गया है, उसके द्वारा बताया गया है कि वह सरगोध की तरफ से आ रहा था और ये अपने छतरपुर ले जाने का उसका विचार था। कितनी कीमत थी मैम? 1,40,000 रुपये के करीब का ये गांजा पकड़ा गया है। क्या मैडम पहले से ये तस्करी कर रहे गांजे की? ये अभी पूछताछ जारी है, जैसे ही अन्य जानकारियाँ मिलेंगी वो आपके साथ साझा करना चाहूँगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।